हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं सुशांत गोल सिटी में आया हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैं आने वाले कुछ दिनों में सुशांत गोल सिटी के प्रोजेक्ट्स पे ही वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज हैं। लोगों को रेडी टू मूव चाहिए या बहुत नियर टू पोजेशन प्रोजेक्ट्स चाहिए। रेंज भी 40-60 लाख रुपीज का रेंज है। तो इस एरिया में सुल्तानपुर रोड और शहीद पथ से लगे रोड्स पे सुशांत गोल सिटी में 4 से 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस रेंज में भी आते हैं। पोजेशन भी 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर में पोजेशन है। क्वेरीज भी बहुत ज्यादा है और कस्टमर कन्फ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। किसी को ओकस पसंद है, किसी को कियारा पसंद है, किसी को अर्बन वुड्स पसंद आ रहा है, किसी को मलबरी हाइट्स पसंद आ रहा है, किसी को कुछ XYZ और प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं, सेलिब्रिटी मेडोज पसंद आ रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि लोकेशन सेम है। सबके पास वॉलमार्ट है, सबके पास स्टेडियम है, सबके पास में आपको मॉल्स मिलते हैं, चौड़ी सड़कें मिलती हैं, सब कुछ सेम है। सब पे लोन्स भी मिल रहे हैं, रेरा रजिस्टर्ड है, LDA अप्रूव्ड है। पोजेशन टाइम भी ऑलमोस्ट सेम है, 6 महीने से लेके 1 साल सवा साल की टाइम में सभी प्रोजेक्ट जो हैं ये पोजेशन भी ऑफर कर देंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा एक क्यों ना हर प्रोजेक्ट का अलग अलग वीडियो बना के फिर उस पर एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। तो ओकस में ऑलरेडी ओकस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका आप अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप देखोगे तो ओकस पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आज मैं कवर कर रहा हूँ कियारा रेजिडेंसी को। कियारा रेजिडेंसी ने अपने आप को लीक से अलग ऐसे कर लिया कि इन्होंने सिर्फ 2 BHK के ऑप्शन दिए, 3 BHK का ऑप्शन कियारा रेजिडेंसी में है ही नहीं। तो इससे एडवांटेज क्या मिलता है? इससे ये एडवांटेज मिलता है कि कियारा अगर 2 BHK चाहिए तो आपको कियारा में आना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ओकस में 2 BHK नहीं है या अर्बन वुड्स में 2 BHK नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 BHK होने से जो सोसाइटी आएगी अंदर वो सेम क्लास की आएगी। मेरा मतलब 40 लाख से लेके 50 लाख का जिनका बजट है वही लोग ही इस प्रोजेक्ट में प्रेफर करेंगे। तो इससे एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जो सोसाइटी बनेगी सबका ऑलमोस्ट बजट, फाइनेंस, थिंकिंग सब कुछ सेम मैच करेगी, बिकॉज ऐसा नहीं होता। बहुत जनरली बहुत बिल्डर क्या करते हैं, 1 BHK से 3 BHK 4 BHK का ऑप्शन एक ही प्रोजेक्ट में दे देते हैं। दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्रोजेक्ट लगभग 1 साल ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर बाय दिसंबर, मेरा ये मानना है कि 2021 दिसंबर या 22 जून जुलाई से पहले पोजेशन नहीं होगा। तो 1 से 1.5 साल का टाइम है, लेकिन स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो जब प्रोजेक्ट इस स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसके बीच में रुकने का या बीच में बंद होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। और एक किर्लोस्कर एक बड़ा ब्रांड है, ऐसा रेप्यूटेड नेम है, तो चांसेस तो नहीं है कि इस तरीके की कोई चीज होगी। और काम भी अभी भी कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद भी काम इनका तेजी से चल रहा है। बीच में हालांकि थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, लेकिन वो हर प्रोजेक्ट में हुआ था। और प्लस पॉइंट में अगर मैं इनके पास बात करूं तो जो रेट है वो बहुत कॉम्पिटेटिव है। सबसे बढ़िया बात मुझे इस प्रोजेक्ट में लगी कि एक्स्ट्रा चार्जेस में बहुत कुछ नहीं है। PLC एस सच बहुत महंगे नहीं है। जो रेट्स जो अदर चार्जेस इन्होंने रखे हैं वो एक तरीके से नलीफाई बिल्कुल ही नहीं, बहुत कम चार्जेस हैं इन लोगों के एक्स्ट्रा चार्जेस। तो कॉस्ट में अगर बजट इशू किसी को है, वो 40 से 50 स्ट्रिक्टली और एक अच्छे लोकेशन एक अच्छे एरिया में देख रहे हैं, तो उनके पास सही एक ऑप्शन है। प्लस कनेक्टिविटी के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप वॉलमार्ट की तरफ से इसको एक्सेस कर सकते हो अगर आप आ रहे हो सुशांत गोल सिटी मेन सुशांत के एंट्रेंस से आ रहे हो, आप शहीद पथ से वहां से भी बिल्कुल सीधा एंट्रेंस है, और सुल्तानपुर रोड और IT सिटी भी हार्डली यहां से अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे आप तो सुल्तानपुर रोड सामने आ जाएगी। तो जो और चौड़ी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी वाइज अगर मैं बात करूं तो दोनों तरफ से इसको अप्रोच मिलती है और बहुत बढ़िया लोकेशन पे है ये। चलिए पहले कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं और डिटेल में, फिर कॉन्स के बारे में बात करेंगे या नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के। ये अभी का करंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस है इस बिल्डिंग का एज ऑन सितंबर 2020, और ये इसका अभी का कंस्ट्रक्शन साइट का एंट्रेंस है, लेकिन ये टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन टेम्प्रेरी गेट है। ये अंदर से व्यू है, ब्रिक वर्क साइट पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। टावर का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है, इंटरनल फिनिशिंग वर्क स्टार्ट हुआ है अभी एक टावर में। टोटल 3 टावर्स हैं,
और जो ग्रीन एरिया रहेगा ये फ्रंट सामने से यहाँ से एंट्रेंस है और यही बीच में थोड़ा सा ग्रीन एरिया रहेगा इस प्रोजेक्ट में। ये कॉरिडोर है ऑलमोस्ट 4 फिट 4.5 फिट की विड्थ है इस कॉरिडोर की और ये 2 BHK फ्लैट्स हैं। इस प्रोजेक्ट में सारे 2 BHK हैं। ये लिफ्ट एरिया है जहाँ पे दोनों लिफ्ट्स रहेंगी। कॉरिडोर में बीच में थोड़ा सा नेचुरल वेंटिलेशन के लिए ये एक ओपन करके ऐसा दिया गया है। एक फ्लोर पे 6 यूनिट्स हैं और इस प्रोजेक्ट में 6 की 6 2 BHK हैं। इस प्रोजेक्ट में 3 BHK के ऑप्शंस नहीं हैं। 3 यूनिट बड़ी मिलेंगी लगभग 1270 1150 की रेंज में और 4 यूनिट्स इनफैक्ट बड़ी मिलेंगी 2 1250 की रेंज में और 2 1150 की रेंज में और 2 यूनिट्स होंगी आपकी 1039 एंड 1083 स्क्वायर फुट। और ये वाला जो हम देख रहे हैं वो 1147 स्क्वायर फिट का साइज है। ये बालकनी एरिया है जिसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.5 फिट की विड्थ होगा लेकिन जो लेंथ है वो अच्छी है लगभग 8 फिट की बालकनी होगी। ये ड्राइंग डाइनिंग है और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है किचन एरिया। ऑल 6 यूनिट्स में जो 6 की 6 यूनिट में किचन सबसे बड़ा मिलता है। मतलब मैंने 3 BHK में भी इतने बड़े 1500-1600 स्क्वायर फुट के किचन में भी मैं इतना स्पेस नहीं है और ये साथ में यूटिलिटी बालकनी है जो कि मुझे कॉम्पैक्ट लगी थोड़ी छोटी लगी। ये मास्टर बेडरूम है इसमें भी अटैच बालकनी और अलग से वार्डरोब एरिया मिलेगा। लगभग 2.5 फिट की बालकनी की विड्थ है और लगभग 4 फिट की आपकी लेंथ है और ये साथ ही में अटैच बाथरूम है। इसी में कंपनी ने एक सैंपल रेडी कर दिया है लेकिन मैं वो ना दिखा करके आपको एक्चुअल जो रॉ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज सैंपल में एक बहुत क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि बिल्डर क्या देंगे और क्या ऑप्शंस आपको एक्चुअल जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा। अभी फिनिशिंग होना बाकी है इस फ्लैट का और इसके साथ में जो रेस्ट रूम है वो एक कॉमन दिया गया है जो कि ड्राइंग रूम लॉबी से भी एक्सेस करेंगे और इस बेडरूम के साथ वाला भी एक्सेस करेंगे। और अब मैं आया हूँ 1272 स्क्वायर फुट या लगभग 1280 स्क्वायर फुट की रेंज का ये 2 BHK है। ये ड्राइंग डाइनिंग लॉबी है। इसकी जो फेसिंग है वो जो अंदर पार्क आएगा उसका फेसिंग आएगा और जो 1147 स्क्वायर फुट वाली मैंने अभी यूनिट दिखाई थी उसका जो फेसिंग आएगा वो पीछे क्लब फेसिंग आएगी। क्लब या अगर ऊपर फ्लोर्स पे लेते हो तो आपको पीछे गोल्फ कोर्स फेसिंग भी मिलेगी। अगेन लगभग 10 फिट की बालकनी होगी और जो विड्थ है वो लगभग 2.5 फिट की है। जो मूवेबल फर्नीचर है वो बिल्डर नहीं देगा ये सिर्फ एक सैंपल के तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से दिखा रखा है। ये किड्स रूम कह सकते हैं ये एक रूम है जिसको एज अ किड्स रूम यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12x12 या 12x11 का यूजेबल स्पेस अंदर मिलता है रूम में। अच्छा साइज़ है जिसमें साथ में अलग से अप्रॉक्सीमेटली 12 फिट की एक वार्डरोब स्पेस अलग मिलती है। और ये कॉन्सेप्ट मुझे बेड का जो उन्होंने प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे स्पेस भी निकल रही है। अगर किड्स पर्टिकुलरली आप प्लान कर रहे हो कि एक रूम बच्चों के लिए रहेगा तो ये जो स्टाइल था बेड का ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये वार्डरोब एरिया है साथ में।
हर रूम में नेचुरल वेंटिलेशन के लिए बालकनीज भी दी गई हैं और अलग से वार्डरोब एरिया है। सिर्फ 1039 स्क्वायर फुट और 1084 स्क्वायर फुट की जो दो यूनिट्स हैं उसमें आपको एक रूम में वार्डरोब स्पेस नहीं मिलेगा और रूम का साइज़ भी बहुत कॉम्पैक्ट है उसमें। ड्राइंग रूम और किचन और बालकनी एरिया तो उन दोनों यूनिट्स में अच्छा है, बड़ा है, लेकिन जो रूम साइज़ हैं वो छोटे हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा होता अगर मैं उसको भी कवर करता तो मैंने उनको इसीलिए इसमें शो नहीं किया है, क्योंकि मेरी समझ से अगर कियारा में आप प्लान कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप 1150 वाली यूनिट में प्लान करें या 1250 वाली यूनिट में प्लान करें। अगर बजट में बहुत ज़्यादा टाइट है तब आप 1039 या 1083 स्क्वायर फुट वाली यूनिट को प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर 1147 स्क्वायर फुट या 1180 स्क्वायर फुट वाली यूनिट्स या 1270 स्क्वायर फुट वाली यूनिट्स। इसमें भी साथ में इस रूम में भी आपको बालकनी अटैच मिलती है या मास्टर बेडरूम है और इसमें भी वार्डरोब एरिया अलग से है और अटैच आपका बाथरूम है। ये वार्डरोब एरिया है, हर रूम में एक वार्डरोब स्पेस अलग से दिया गया है जो आपके मेन जो अंदर का एरिया है उसको हैम्पर नहीं करेगा किसी तरीके से। अलग से आप वार्डरोब रख के अपना स्पेस किल नहीं करोगे। इस प्रोजेक्ट का हाईलाइट जो मेनली मुझे बजट बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। किचन साइज जैसे दो डबल स्लैब है ये, तो ये किचन मुझे मतलब जनरली 1500 स्क्वायर फुट के भी 3 BHK में इतना अच्छा किचन एरिया नहीं होता है, लेकिन 42-45 लाख के रेंज में इतना अच्छा किचन दे रहे हैं। किचन मुझे बहुत अच्छे साइज़ के लगे, हर रूम में नेचुरल वेंटिलेशन के लिए बालकनीज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा वो लगा मुझे सर्विस बालकनी का। इसमें स्पेस बहुत कॉम्पैक्ट है, सिर्फ एक वॉशिंग मशीन ही आ जाए और दरवाज़ा खुल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। अब ड्रॉबैक मुझे जो लगा, ड्रॉबैक ये लगा कि जो कॉरिडोर है वो बहुत पतला है और जो दो अपार्टमेंट अगर दरवाजे हैं तो बिल्कुल आमने सामने खुल रहे हैं, तो वो एक अपार्टमेंट क्या मैं मतलब एक होटल टाइप की फीलिंग आई कि बिल्कुल ठीक सामने सामने दरवाजे खुल रहे हैं, कॉरिडोर बिल्कुल इस तरीके से मैनेज किया जा सकता था कि एटलीस्ट दोनों दरवाजे एकदम सामने ना खुलें। और जो 1250 स्क्वायर फुट वाला एक साइज है वो एक बहुत अच्छा साइज है, 1150 वाला जो साइज है वो एक अच्छा साइज है, लेकिन जो 1080 समथिंग का साइज है या 1040 स्क्वायर फुट वाला जो साइज है वो उसके जो रूम साइज है उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हालांकि बालकनी अच्छी है उनमें, लेकिन आपको जो रूम साइजेस है उन दोनों फ्लैट्स में आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और दूसरा अगर मैं बात करूं जो मुझे ड्रॉबैक लगा कि इस प्रोजेक्ट में जो ग्रीन एरिया है वो काफी कम है। आप क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, 3 टावर्स हैं, 3 L-shaped के टावर्स हैं, तो जो बीच का एंट्रेंस है एंट्रेंस के साथ में जो ग्रीन एरिया है वो मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लगा। ग्रीन एरिया अगर थोड़ा ज्यादा अच्छा दे सकते थे। क्लब हाउस भी कंपनी का फोकस जरूर है क्लब हाउस पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बहुत हाईलाइट किया गया है, तो जो आपको एक स्पेशल या एक मैं कहूं कि अगर आप जो इन्हेंस करेगा आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, उस पर कंपनी ने थोड़ा कम ध्यान दिया है। कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट के बजट पे और लोगों को घर मिले, सिर्फ इस पे उनका ज्यादा फोकस है रेदर देन कि एक अलग से कुछ स्पेशल। और मैं उसमें गलती भी नहीं कहूंगा बिकॉज 40 से 50 की रेंज में 2 BHK के सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। इसमें आपको अभी भी इन्वेंटरी है, पीछे की तरफ अगर आप लेते हो तो गोल्फ कोर्स का फेसिंग मिल जाएगा आपको। तो इस लोकेशन पे इतने टाइट बजट पे बिल्डर काम कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने जो स्पेशल एक्स्ट्रा फीचर्स है उस पे, ग्रीनरी पे, पार्क पे या क्लब हाउस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि स्विमिंग पूल भी है, सारी एमिनिटीज हैं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा ग्रीन एरिया अगर और ज्यादा होता तो अच्छा लगता। तीसरा मुझे ड्रॉबैक जो लगा, बात जो किचन के साथ में जो सर्विस बालकनी होती है जिसमें आप वॉशिंग मशीन रखोगे या आप किसी भी तरीके से उस सर्विस बालकनी को यूज करते हो, वो बहुत छोटी है। सभी फ्लैट्स में वो बहुत ज्यादा छोटी है। आप सिर्फ वॉशिंग मशीन ही रख लो, उसके बाद दरवाजा खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वॉशिंग मशीन उस तरीके से अगर आप ध्यान दोगे या कपड़े किसी को फैलाने हैं या कुछ भी सर्विस बालकनी में, आदमी जनरली अब ऐसा तो नहीं है कि ड्राइंग रूम की बालकनी में, और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है इस बात से कि अपार्टमेंट में ड्राइंग रूम के साथ वाली जो बालकनी है
उस बालकनी लेजर बालकनी को एज अ सर्विस बालकनी नहीं यूज करना कर रहे हैं। तो इसमें सर्विस बालकनी का मुझे इशू लगा, मुझे 2 BHK जो सबसे छोटे साइज है 1039 1083 85 स्क्वायर फुट का, उन दोनों में मुझे रूम साइजेस बहुत छोटे लगे। बाकी अगर लेना हो कियारा में तो आई वुड सजेस्ट कि 1250 वाला और 1150 वाला अप्रोक्सीमेटली यही साइज है, 1250 और 1150 वाला साइज कंसिडर करें। 1000 वाले में आपको बालकनी तो बड़ी मिल जाएगी लेकिन मेजरली आप टाइम अपना रूम्स में स्पेंड करोगे, ड्राइंग रूम में स्पेंड करोगे, आप बालकनी में अपना टाइम नहीं जनरली स्पेंड करता है कोई भी आदमी। तो अगर कियारा कंसीडर करना है तो आपको सिर्फ 1250 और 1150 मेरे हिसाब से कंसीडर करना चाहिए। और आप ये मन बना के आओ कि अगर आप इसमें ले रहे हो तो आपको पार्क में ग्रीन एरिया में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उतने बड़े पार्क या उतना बड़ा पार्क नहीं दे रहा है बिल्डर। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं अर्बन वुड्स या मलबरी हाइट्स में किसी भी एक प्रोजेक्ट पे मैं अपना वीडियो बनाऊंगा, और फिर जब चारों पांचों भी प्रोजेक्ट के वीडियो बन जाएंगे तो एक डिटेल्ड कम्प्रिहेंसिव एक स्टडी एनालिसिस करेंगे कि मेरी रैंक के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट नंबर वन आया और कौन सा नंबर फोर आया। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मेरे को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतने ज्यादा मेरे को बिल्डर्स बुलाएंगे, उतने ज्यादा मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मेरी पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी जितना आप लोग मेरे पीछे जुड़ते जाओगे। तो थैंक यू सो मच और वेट करिए, मैं 1 से 2 दिन में दूसरे प्रोजेक्ट का वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।